इंडिया में कितनी ही ऐसी जगह है जहां जाकर आपको लगता है कि बस यहीं का होकर रह जाऊं। ये जो वक्त बहुत तेजी से भाग रहा है, काश ये कुछ पल के लिए थम जाए और इन पलों को मैं कुछ अच्छे से जी सकूं। तो कुछ ऐसी ही जगहों में से एक जगह है स्पीति वैली, और अपने कुछ दोस्तों के साथ मैं निकला हूं इसी स्पीति वैली को एक्सप्लोर करने। अगर आपने मेरा इससे पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के देखिए। इससे पिछले वीडियो में मैंने चितकुल एक्सप्लोर किया था, चितकुल जो कि इंडिया का लास्ट विलेज है। काफ़ी प्यारी वो वीडियो बनी थी, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को देखिए, लेकिन एक मिनट अभी नहीं, इस वीडियो के बाद। और आज हम चितकुल से जाने वाले हैं ताबो। चितकुल से ताबो की दूरी 210 किलोमीटर की है, लेकिन ये जो रोड होने वाला है ये आपकी लाइफ का मोस्ट सीनिक व्यू वाला रोड होने वाला है। You don't see the things I see. I tell you things you won't believe. Above the skies, overseas, I hear them all, those places calling me. To never give up, to never back down, you get through the storm. Even the nights the darkest before the dawn. Live your life, live your dream. भैया पहुंच गए हैं नाको, और अब यहाँ पे थोड़ा लंच वंच करते हैं। चले चलो भाई, बहुत भूख लगी है। मस्त ढाबा है, खाना खाएंगे। क्या है खाने में भाई? फुल नॉर्थ इंडियन खाना भाई। चलो बढ़िया फिर भाई, राजमा चावल खाएगा आज भीड़ से क्या? नहीं चलो आ जाओ, पहले बोल दो उधर स्वर्ग का रास्ता है। चले क्या मुद्दे मुद्दे आप स्वर्ग देख सकते हो भाई, पहला ऑर्डर आ चुका है। अरे जल्दी जल्दी आ जाओ, स्पर्श इधर ट्राई करो, चालू करो भाई, करो भाई। सारे फोन पहले निकले हुए हैं खाना खाने से पहले। करो करो करो, और लेना हो गया। नॉर्मल है, विनेगर डाला हुआ, मतलब उतना वाव वाला फीलिंग नहीं है। अच्छा है, नॉट बैड, नहीं अच्छा है। सूप दोनों भी है, अगर तुम सूप भी नोट टाइप का फील है ना, सही है, बड़ा नूडल्स का अच्छा लग रहा है, या फिर ऐसा ही होगा। और हम लोग ताबो पहुंच चुके हैं, और फर्स्ट टाइम भाई सब लोगों को स्टे एक जगह मिला भाई, तो मैं डबल मीनिंग बातें होने लग गई है भाई। बात डबल मीनिंग बात, एक बार बाथरूम में आई हमारे साथ। चलिए देखते हैं, बाथरूम में क्या लिखा है। क्या है भाई? ये स्लोगन है, इफ यू आर हैप्पी यू नो इट, वॉश योर हैंड्स। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। इंडिया सभ्यता और संस्कृति का एक अनूठा संगम है, जिसका संबंध किसी भी धर्म से हो, पर उसे करीब से जानने की जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। और यही जिज्ञासा मुझे और मेरे दोस्तों को लेकर आई एक ऐसी खास जगह जिसको हम हिमालय का अजंता भी कहते हैं, यानी कि ताबो मोनेस्ट्री। ताबो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिला में स्थित एक छोटा सा गांव है। ताबो सी लेवल से करीब करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और यहीं पर है हिमालय की सबसे पुरानी मोनेस्ट्री, यानी कि ताबो मोनेस्ट्री।
ताबो मोनेस्ट्री की स्थापना लोचावा रिंगचेन जंगपो द्वारा सन 996 में की गई थी। लोचावा रिंगचेन जंगपो एक प्रसिद्ध विद्वान थे। जब आप इस मोनेस्ट्री के अंदर जाते हो तो आपको देखने मिलती है अलग अलग तरह की चित्रकलाएं और अलग अलग तरह का आर्ट फॉर्म। अब क्योंकि इस मोनेस्ट्री के अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी, इसलिए मैंने इस मोनेस्ट्री के अंदर किसी भी तरह की कोई वीडियोग्राफी नहीं की। ये किसी की आस्था का विषय है, प्लीज़ अगर वहाँ पे आप लोगों को मना किया जा रहा है तो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी ना करें। हिमालय का अजंता और अलोरा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ जितने भी स्टैचूज है ना, वो लाइफ इवेंट रिप्रेजेंट करता है। बुद्धा का सात आठ स्तूपास बने, जैसे ये बना है, ये बना है, जो भी जितने भी लाइफ इवेंट हुए थे बुद्धा के जीवन में, निर्वाण इनको एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था, बहुत कुछ हुआ था। अब तो एक एक तो याद नहीं है। नहीं नहीं, वो सिंबल ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सारा मड का बना है, बहुत पुराना टाइम का, 996 AD का पूरा मड का बना हुआ है। और अभी तक लोगों ने इसको प्रिजर्व करके रखा है। अंदर जाओ, बहुत खतरनाक मतलब पुराने, हाँ, शूज उतर के वो है थंका पेंटिंग वगैरह, बहुत पुराने जमाने के। क्योंकि अब ये मोनेस्ट्री 1000 से भी ज्यादा साल पुरानी है, इसलिए इसके बगल में ही एक नई मोनेस्ट्री बनवाई गई, जिस मोनेस्ट्री में प्रतिदिन 60 से 80 मॉन्क अध्ययन करते हैं। The next day. और भाई, गुड मॉर्निंग सर। आज मैं गिम्बल कैरी करके लाया भाई। क्या हुआ? फाइनली आ रहा है ना, पानी गर्म हो रहा है ना। अरे हो रहा है, मस्त हो रहा है। अरे वहाँ पे पानी आ रहा है, वार्म आ रहा है। अच्छा, इतना भी वार्म नहीं चाहिए भाई, बस गर्म पानी रहेगा, अच्छा फील होता है। पैकिंग डन? पीछे लगा नहीं यार, सोच रहा हूँ क्या करूँ, ये जैसा है ना। अच्छा, हे गाइस, welcome to Sandeep's vlog. I have taken over this vlog. I am gonna show you the beautiful, beautiful view. See. साले लोग ने बाहर बंद कर दिया। और आज हम ताबो की मार्केट के निकले क्यूट हर्षिल के साथ, और हॉट अभय के साथ, हॉट अभय के साथ, और मैच्योर मैच्योर के बिल के साथ, दोनों हमारे फ्यूचर के बॉल, ऑलराउंडर के साथ, और थोड़े से नटखट संकेत के साथ, और ये हमारे नटखट बाबू। क्यूट लग रहा भाई, तो एक नंबर लग रहा है, एक नंबर। बांध बांध भाई से, क्या मस्त लग रहा है। वो काला टीका लगा ले यहाँ पे, यहाँ पे ये क्या पोस्ट कार्ड लेके जा रहे हो? यहाँ से लेके ना टिकट लेना है सुबह। अच्छा, टिकट लेके स्टैंप पे आगे एड्रेस लिखे, वहाँ सीधा डालना है। पर वो यहाँ पे थोड़ी ना, वो किम है ना। नहीं, वो डालना वहाँ पर ना, वहाँ डाल एड्रेस तो पहले लिखना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस लेना पड़ेगा। वो टिकट, और वो टिकट कहाँ से मिलेगा? पोस्ट ऑफिस से लेना ना, यहीं से मिलेगा, वहाँ ऊपर नहीं मिलेगा। वहाँ कई बार मिल भी जाता, कई बार नहीं मिलेगा। अरे वहाँ वहाँ ऑलरेडी भाई इतना ज्यादा लोग जाता, क्राउड जाता है। हाँ, तब आपका पोस्ट और टिकट तो कहीं से भी ले सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक लेकर रखता हूं, मुझे नहीं, एक तो लेकर रखता हूं। टिकट लेना है, पोस्ट कार्ड दिए, फ्लैग लिया है, और ये किचन लिया है भाई। बढ़िया, क्या पोस्ट कार्ड क्वालिटी अच्छी है। अबे भाई, तो ये बताओ, ये बताओ, क्रश को कौन सा भेज रहे हो? मैं क्रश को शायद सभी भेज देते हैं, शायद पांच में से एक मिल जाए। अच्छा, ये तो डिसाइड करना पड़ेगा किसको इसको भेजना है। ओ भाई, वापस लफड़ा हो जाएगा भाई, और लेने पड़ेंगे फिर तो। उससे जब किसी को, अरे अरे, तो बताएगा कौन की इसने मेरे को भेजा? लफड़ा कैसे होगा, पता है किस किस को भेजना।